Very good morning, guys. Welcome to an academy, India's largest online education platform. So let's go ahead and understand the today's headlines for Indian Express. So aaj ki jo taza khabrein hain apne UPSC Civil Services Examination 2021 or 2022 ke perspective se jo important hain, un sab ko discuss karte hain. Okay, guys. So aaj ki taza khabrein kuch is prakar hain. Aur dekho, aaj ki jo taza khabrein hain na, badi matlab interesting bhi hain aur kabhi kafi irritating bhi hain. Okay, everyone. So audio video all clear? Yes, Chand, mere bhai, walaikum assalam. Sabhi logon ko. Okay, guys. So let's go ahead. जो आज की ताजा खबरें हैं उनकी कहानी को समझते हैं. क्या क्या है आज की ताजा खबरें हमारी. सो सबसे पहला तो इसको तो पकड़ के मारना चाहिए. चाइना रेफ्यूजेस टू लीव हॉट स्प्रिंग्स. ओके, दैट इज योर गोगरा एंड देपांच, वो देपसंग वैली. देन इंडिया शुड बी हैप्पी विथ व्हाट हैज बीन अचीव्ड. ये चाइना कह रहा है कि हम गोगरा से नहीं जाएंगे और जितना मिला है उसमें खुश रहो. अभी बताते हैं इनको. नेक्स्ट, ईरान एंड चाइना से साइंस ऑफ प्रोग्रेस एट न्यूक्लियर टॉक्स. बहुत कूल. देन नेक्स्ट, पीएलआई स्कीम फॉर एसीज एलईडी लाइट्स नोटिफाइड. नेक्स्ट, यूएस एंड चाइना अग्री टू कोऑपरेट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस विथ अर्जेंसी. भाई चल क्या रहा है. कभी चाइना कह रहा है कि जितना मिला उतने में खुश रहो, अगली हेडलाइन में देख रहे हैं यूएस और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं. मतलब अच्छा नहीं लग रहा है. नेक्स्ट एंड लास्ट, थ्री कंट्रीज ओके अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ एफपीआई इनफ्लोज इन इंडिया. इंडिया के अंदर जितना एफपीआई इनफ्लो है उसमें 50% जो है कुछ तीन कंट्रीज से आ रहा है. कौन कौन सी तीन कंट्रीज है अंदाजा लगाने की कोशिश मत करना, अभी हम लोग बात करेंगे. ओके गाइज, एवरीथिंग क्लियर? So, चलो अभी अगर बात करें इस पर्टिकुलर हेडलाइन के ऊपर, पहली वाली. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो. जो ऊपर रेड रेड वाली हेडलाइन है, चाइना रिफ्यूजेस टू लीव, ये गोगरा और देपसंग जो है लीव करने से मना कर दिया. और स्टेटमेंट क्या दे रहा है भाई, जितना मिला उतने में खुश रहो. तुम बताओ क्या कहना चाहोगे, फिर मैं बोलूंगा. सर शी और इमरान के बिना सुबह थोड़ी होती है. अरे मैं तो सो भी नहीं पाता हूं इन लोगों के बिना. ओके Come on guys, जल्दी बोलो. भेज दिए क्या? नहीं, यूपी वालों को मत भेजो, रहे जाने दो. इसको मारो गिरा के. ये क्या चल रहा है दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है. अभी समझाता हूं, ठीक है. हेलो सर, आपकी तबीयत एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी उसको मैंने ऐसा पकड़ा, ऐसा घुमाया और फेंक दिया, ठीक है. नाउ नो इश्यू. जल्दी बताओ क्या करना चाहिए इनके साथ. सफेद झूठ. चलो अब देखो इनका जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे मन करता था कि इसको पकड़ के मारू खींच के, कि गोगरा से वापस नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो, जितना मिला उतने में खुश रहो. हमने कहा भाई तू हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है, कम ऑन प्लीज हैव सम सेंसेस. जैसे जोश में होश नहीं खोते, राइट. तो शी जिनपिंग को देखो, ये यही ऐसा कुछ कर रहे थे कि गोली वोली चलाएंगे. तो गाइस प्लीज याद रखना, हेडिंग तो बस इतनी है कि हम गोगरा से वापस नहीं जाएंगे, जितना मिला उतने में खुश रहो, लेकिन वेट एंड वॉच वीक 10 डेज मैक्सिमम 10-15 मैक्सिमम कह लो हद से हद 2 हफ्ते के अंदर ये जो न्यूज है बदलेगी. लिख कर ले लो अभी. ओके, ये जो ऊपर है ना, गोगरा से वापस नहीं जाएंगे. ओके क्लियर गाइस, ये जो न्यूज है कि गोगरा से वापस नहीं जाएंगे, है ना, 10 से 15 दिन रुको. अभी यूएस, यूएन, रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूएन, देखो दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों को एक में मिलाकर बोल देते हैं. यूएस, यूएन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड की पूरी कहानी कल रात को डिस्कस किया था ना हमने मैकबुक के अंदर, ये इनकी पूंछ पकड़ेंगे और कहेंगे कि तुम ऐसा स्टेटमेंट दे कैसे सकते हो. यू आर एक्चुअली गिविंग अ थ्रेटनिंग स्टेटमेंट. यू आर एक्चुअली स्पार्किंग आउट द वर्ल्ड वॉर 3. The Cold War era is going to start because of your such nonsense statements. शीत युद्ध शुरू हो जाएगा मेरे भाई, इंडिया और चाइना के बीच में. और अब ये दुनिया 1950-60 वाली दुनिया नहीं है जहां न्यूक्लियर कहीं है कहीं नहीं है. आज न्यूक्लियर हर गली के हर कोने में पड़ा हुआ है. ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच. आई एम अश्योरिंग यू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि 15 दिन के अंदर यह न्यूज आप बदलते हुए देखोगे. यूएन और यूएस की स्टेटमेंट इसमें आएंगी.
ठीक है। इसके अलावा मॉस्को यानी कि रशिया का स्टेटमेंट इसमें आएगा और कैनबरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट भी इसमें ऐड होगा और क्वाड इस पर नई चीजें जो है लाइमलाइट में लेकर आएगा और चाइना को एक साथ मिलकर बोला जाएगा कि मेरे भाई यू कैन नॉट जस्ट गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, अटर नॉनसेंस की बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव गॉट। हमने कहा शी जिनपिंग इमरान को लेकर आइयो एक बार, ठीक है, फिर बात करेंगे। बी हैप्पी व्हाट यू हैव गॉट, इट्स लाइक कैसा लग रहा है ये स्टेटमेंट पर्सनली बताओ। कोई आपको ऐसा स्टेटमेंट दे है ना कि कैसा लग रहा है, कैसा जितना मिला उतने में खुश रहो, क्या बोलोगे उसको, बदले में क्या जवाब दोगे? सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह बहुत खतरनाक है। ओके कोई बात नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है। चाइना वालों की गलती नहीं है, वहम की दवाई नहीं बनी है इसलिए अब तक वहम का शिकार है। मिस्टर भारद्वाज हर्षित आपने एक बहुत मतलब खतरनाक स्टेटमेंट दिया है, आई लव दिस वन, कि चाइना की लिटरली गलती नहीं यार, वहम है ना, वहम का आज तक इलाज नहीं हुआ है ना। कोरोना की वैक्सीन बन गई है, पता नहीं किसकी किसकी वैक्सीन बन गई है, लेकिन ये वहम नाम के वायरस की वैक्सीन नहीं बनी। हैंस एज अ रिजल्ट बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हाँ बच्चे को बार बार ऐसे हम इजाजत देते रहेंगे कि कुछ भी बोल लो, उसके से छूट देते रहेंगे कुछ भी बोल लो, तो बच्चा बदमाश हो जाता है, ठीक है ना, इसको हम ऐसा बदमाश नहीं होने देंगे। ओके गाइस एवरीवन क्लियर नाउ, भी बताओ तुमको कोई ऐसा स्टेटमेंट देके जाएगा क्या बोलोगे? सर आप ऐसे मीम्स कैसे ढूंढते हो? यहां पे बनाता हूं, ठीक है, चल चल बिल्कुल हम हेरा फेरी का यही वाला डायलॉग देंगे, ठीक है जाने दे चलो। ओके गाइस तो ये पहला स्टेटमेंट था शी जिनपिंग का कि भाई ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है हमने इनको ऐसा नहीं करने दिया। अब देखो दूसरी कहानी जो यहां पर है, ओके, दैट ईरान एंड चाइना से साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर टॉक्स, है ना। चाइना तुम ईरान में कह रहे हो कि देयर इज साइंस ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स, हाउ कैन यू स्टेट दैट यू आर चाइना? ये तो वही वाली बात हो गई ना, कल याद है आपको टिप्सा, टिबेटन सपोर्ट, टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ द यूएस है, यूएस का एक्ट, ठीक है। मुद्दा कहां का है? टिबेट का। किसका मुद्दा है? चाइना और टिबेट का। बीच में यहां पर सपोर्टिंग रोल में कौन है? इंडिया, ठीक है, टिबेट और टिबेटन मॉक्स और बुद्धिज्म के लिए, राइट। एक्ट कौन पास कर रहा है? दूर दराज सात समुंदर पार बैठा हुआ वॉशिंगटन डीसी, बोले तो यूएस कांग्रेस। अटर नॉनसेंस पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो इसी चीज से इंस्पायर होकर यही टिप्सा वाला जो है कहानी पढ़कर अब ये जो है ना शुरू हो गए। देखो ऐसा कि देर इज साइन ऑफ न्यूक्लियर अटैक, है ना, मतलब कह रहे कि भाई न्यूक्लियर न्यूक्लियर चलने वाला है, देख लो भाई को, है ना, ऐसा मतलब है ना। एक तो गोगरा वैली से बाहर नहीं जाएंगे, देखो कैसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं अभी इनको, रुला रहे, टेंशन मत लो, ठीक है, कैसा एटीट्यूड देखने को मिल रहा है ना आपको इनका, यस गाइस, कैसा अभी देखो ऐसा कोट वोट झटक रहा है बंदा, ऐसा करता है ना, कैसा भाई मैंने तो मतलब मौज कर दी, है ना, हैवी ड्राइवर निकले हम तो, ऐसा ही वाला बोल रहे ये, राइट, मौज कर दी। अब ना गोगरा से निकलेंगे और ना ही अब जो है ईरान में चाइना जो है कह रहा है न्यूक्लियर डील जो है उसको हटाओ, किनारे रखो, डस्टबिन में डालो, न्यूक्लियर एनरिच करो, 60% तो तुम कर ही रहो, 90% तक करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कॉमन दुश्मन है। कॉमन दुश्मन का नाम क्या? यूएस। मतलब ये भाई साहब कसम खाली, मतलब ये ना सुबह सुबह उठते होंगे ऐसे, मां कसम आज दुनिया को शांति से सोने नहीं दूंगा मैं, है ना, दुनिया को खतरे के साए का मैं अंदाजा लगने के लिए मतलब बताऊंगा कि तुम देखो कि खतरा होता क्या है। वर्ल्ड वॉर थ्री के साए में रहना और उसी साए में सांस लेना, और अब तो खैर कोरोना भी एयरबोर्न हो गया बता रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स, ठीक है, कितना खतरनाक होता है। तो कोरोना के पिताजी है ना, दुनिया में शांति फैलाने वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं? देयर इज साइन ऑफ न्यूक्लियर डील, राइट, क्या बोल रहे हैं? ईरान चाइना से साइंस ऑफ प्रोग्रेस एट न्यूक्लियर टॉक्स, है ना, हाउ कैन यू डू दैट, यू आर नॉट इवन पार्ट ऑफ अफगान पीस प्लान, कायदे से देखा जाए तो नाम तुम्हारा वहां पर है लेकिन तुम लॉजिकली वहां पर हो नहीं, क्योंकि पीस प्लान की बात है, तुम क्या कर रहे हो वहां पे, है ना, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद दूसरा, न्यूक्लियर टॉक्स, चाइना बात कर रहा है ईरान से, ब्रिटेन देखकर कह रहा होगा हम पागल बैठे हैं, हम तो दुनिया में मतलब खाली बेवकूफ बनने के लिए आए हैं, या तो अभिषेक सर के स्टेटमेंट में, या तो तुम बहुत मासूम हो, या तो मुझे समझते हो। तो ब्रिटेन को भी मतलब इसने जो है लपेटे में ले लिया है अगले हेडिंग की तरफ, अभी तीसरे जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे।
ओके गाइस, थैंक्स सोनू, जस्ट गिव योर मैसेज टू योर मॉम, ओके, चरण स्पर्श, आशीर्वाद बनाए रखें। सर ये बेवफा हो गया है क्या? बिल्कुल, ओके, आंख पूरी खुलती नहीं, वही वाली बात है, ठीक है, वही है ना, गलत फहमी वहम का इलाज नहीं बना है, तो अब इनको क्या चाहिए? दुनिया में जंग लड़ना और कुछ नहीं, ठीक। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, चलो इनको हटाओ, अभी थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, ओके, फिर बात करेंगे। ओके गाइस, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर। तो यहां पर क्या है, पीएल स्कीम, पीएलआई स्कीम फॉर एसीज, एलईडी लाइट्स, ओके, दे आर नोटिफाइड। तो देखो क्या है, एसी और एलईडी लाइट के ऊपर कैसा इनको हटा, बहुत हो गया ऐसा, कोट वोट झटक रहे हैं। सो देखो यहां पर क्या सीन है, एसी वैसी चला रहे हैं ना हम लोग, ऐसा मस्त देखो, ऐसा ऐसा रिमोट उठाया और बटन दबाया, ठीक, तो वही वाला है, देखो रिमोट उठाया बटन दबाया, अभी क्या सीन है यहां पर, एसी को लेकर कुछ मुद्दा है ना, एसी और एलईडी लाइट्स को लेकर एक स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है, पीएलआई। तो पूरी स्कीम की कहानी समझ लेते हैं एक बार। सो द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो सबसे पहली चीज डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज नोटिफाइड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई। ओके गाइस, प्लीज लिख दो, पीएलआई, PLI बोले तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ओके, किसने जारी किया इसका नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फैक्ट्स और फिगर्स की जब बात करेंगे तो यूपीएससी इन्हीं से क्वेश्चंस पूछती है, जल्दी से लिख डालो। ओके, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक स्कीम को हाईलाइट किया है, स्कीम का नाम क्या है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ओके, द नेम ऑफ द स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI। ओके, किसके लिए, फॉर द एसीज एंड एलईडी लाइट्स, एसीज बोले तो एयर कंडीशनर्स and the LED lights, okay, and said that the selection of companies to avail the incentives would be done to support manufacturing of components, okay, that are not currently manufactured locally. अब देखो next point जो है prelims specific जो note करने के लिए आपको किया, तो सबसे पहली चीज़ तो yes PLI scheme किसने notify किया है, DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, PLI बोले तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है किसके लिए है, ओके, फॉर हूज सेक, सो इट इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनीज दैट आर नॉट करेंटली, ओके, दैट इज टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग दैट आर नॉट करेंटली मैन्युफैक्चर्ड लोकली। ओके, अब जो लोकली बनेगा उसके लिए आएगा क्या, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बोले तो इनको कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल सम ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट कॉरिडोर एंड ऑल, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन सब से रिलेटेड कुछ सब्सिडी वगैरह मिल सकती है। ओके गाइस, सो प्लीज नोट डाउन, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दैट इज फॉर एसीज एंड एलईडी लाइट्स, दैट इज बल्ब्स, ओके, that the selection of the companies to avail the incentive, that is kind of a subsidies, would be done to support manufacturing of components that are not currently manufactured locally. Okay, यानी कि जिनका अभी तक हम domestic तरीके से जिनका production नहीं करते थे, उन्हीं का production होगा, उन्हीं को incentive मिलेगा, जो अब locally production, यानी कि make in India की तरफ इशारा कर रहा है ये, और उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की तरफ। Okay guys, तो याद रखिएगा, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग बैठने वाले हैं बहुत जल्दी, जो लोग स्थल दे रहे हैं वो भी, और अगले या अगले के उससे कभी भी, तो आप लोग बैठोगे तो याद रखना, जब भी आप लिखोगे आत्मनिर्भर भारत, ओके, आत्मनिर्भर या फिर मेक इन इंडिया से रिलेटेड कुछ भी है ना, तो उसमें याद रख लेना बहुत सारी चीजें, जिसमें रिसेंट है आपका PLI, ओके, जिसमें रिसेंट है आपका क्या,
पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किसने निकाला है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके गाइस, एवरीवन क्लियर? जी सर। नोटेड? यस इंशाल्लाह वेरी सून। आई बेट ऑन यू गाइस। ओके, आई ट्रस्ट, आई सेकंड इट एंड आई बेट इट एज वेल, राइट? कि जल्दी करोगे तुम लोग, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू गाइस आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक, ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न इज जस्ट वन, ओके, दैट बी ऑन ट्रैक, डीरेल मत होना, है ना? कभी कभी रेलवेज और इकोनॉमी जो है ट्रैक पर चलते चलते डीरेल हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको इतना ध्यान रखना है ना, कि ऑफ द ट्रैक नहीं जाना। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड, देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन पुश यू आउट ऑफ द ट्रैक, नो। ओके, वंस यू हैव डेडिकेशन, वंस यू हैव डिटर्मिनेशन, सोच लिया है, कसम खा ली है, मान लिया है कि नहीं, अब तो जो आखिरी स्टॉप होगा वो होगा मसूरी में, ओके, 4000 फीट समुद्र तल से ऊपर, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आखिरी स्टॉप वही होगा और वही रुकोगे। उससे पहले रुकोगे तो याद रखना, पॉज ले लो चलेगा, है ना? एक बार के लिए पॉज ले लो चलेगा, बट डू नॉट स्टॉप योर इंजन, ओके, दैट इज डू नॉट डीरेल एंड डू नॉट गो ऑफ द ट्रैक, दैट्स इट। ओके गाइस, सो पीएलआई स्कीम से सारी चीजें कंफर्म क्लियर हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट सेड दैट इज द डीपीआईआईटी सेड दैट mere assembly of finished goods would not be incentivized, okay, incentivized, and companies investing in basic or core components would get a higher priority. कहने का मतलब है, खाली अगर जैसे कि बोल रखा है कि यार हमने जो है बेंगलुरु के अंदर एक जगह पर एप्पल का असेंबलिंग सेक्शन जो है, एक असेंबलिंग फैसिलिटी खोल रखी है, वो नहीं चलेगा, वो असेंबलिंग फैसिलिटी नहीं, हमें प्रोडक्शन करना है इंडिया में। असेंबल क्या होता है, यहां से चार पार्ट्स मंगवाए, वहां से दो पार्ट्स मंगवाए, यहां पर जो है नटबोल्ट लगाकर जोड़कर मार्केट में भेज दिया, ओके? नहीं, असेंबल नहीं करना है, यहां पर प्रोड्यूस करना, मतलब यहीं पर बनाना है, यहीं का सामान इस्तेमाल करके, मतलब बोले तो 100% देसी प्रोडक्ट, ओके? अगर वो होगा तभी इंसेंटिव मिलेगा। बोलोगे नहीं नहीं यहां पर हमने तो मतलब जो है असेंबलिंग करी है, वो भी लोकली प्रोड्यूस्ड है, नहीं बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? वो लोकली प्रोड्यूस्ड नहीं है, लोकली यहां पर असेंबल ऐसा नट बोल्ट कसा है तुमने, है ना? ओके गाइस क्लियर, मेयर असेंबलिंग विल नॉट गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव्स, ओके? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इट टोटली इन टू द इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। क्लियर? यस सर। चलो लास्ट स्टॉप लबासना। यस यस चांद गवेट, यार तुमको पता है, जैसे कि ना एक चीज आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार लबासना जाते जाते कितना टाइम लग जाएगा, अभी मेरा कॉलेज का टाइम है, अभी मेरा ये टाइम है, अभी मेरा वो टाइम है। आप सब लोगों को, चलो जो ऐसा सोचते हैं, आप सब लोगों को एक पॉइंट ऑफ एक जो है मोटिवेशन और दे देता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको एंजॉय करना चाहिए, है ना, और बाद में लबासना के बारे में सोचना चाहिए, इट्स नाउ, इट्स नॉट टाइम पीरियड टू ईयर, अभी कॉलेज चल रहा है, जॉब चल रही है, वगैरह वगैरह, तो एक चीज मैं बताऊं, एक नया मोटिवेशन। क्या आपको पता है, अगर आप आईएएस आईपीएस या कोई भी यूपीएससी का अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करके लबासना में ट्रेनिंग के लिए जाते हो, राइट, तो इंडियन गवर्नमेंट कैन सेंड यू ऑन इट्स ओन एक्सपेंस टू मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर द सेक ऑफ योर बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ओके? लाइक ऑक्सफोर्ड या ट्रिनिटी कॉलेजेस जैसे दुनिया में जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं, या कैम्ब्रिज जैसे जो कॉलेजेस हैं, वहां पर लबासना की अपनी कुछ, इंडियन गवर्नमेंट की, लबासना की नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की अपनी कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, जिनको वो आपको दे सकते हैं कि चलो जाओ दो साल एमबीए एमबीए करके आओ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं जो है हमें मस्ती करनी चाहिए, बाद में पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको बता दूं, अगर अभी पढ़ाई कर लिया तो आपका जो मतलब, और जो आप सोच रहे हो कि नहीं यार मस्ती मजाक का टाइम है, वो इंडिया में नहीं, हो सकता है ऑक्सफोर्ड में हो जाए, हो सकता है कैम्ब्रिज में हो जाए, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट बिग अपॉर्चुनिटी इट इज इन योर हैंड्स, है ना? लबासना तो जाओगे ही जाओगे, हो सकता है लबासना के बाद अप्लाई करो एमबीए के लिए, तो गवर्नमेंट आपको खुद बोले भाई किधर जाना है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ट्रिनिटी, कहां कहां जाना चाहते हो, राइट? वो सीधा ऐसे आपसे पूछेंगे, सो इट्स अप टू यू नाउ, है ना? मस्ती मजाक कहां करना है,
है ना, यहां लोकली करना है या इंटरनेशनली जाकर एक आईएएस ऑफिसर बनकर, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनकर, क्योंकि वहां फिर जब जाओगे एमबीए करने ना, तो वहां तुम्हारा एक अलग ही, क्या बोलते हैं वो, भौकाल है ना, रौला रहेगा कि भाई ये तो इंडिया से कोई ऑफिसर क्लास है जो आया हुआ है और साथ बैठ के हमारे एमबीए करा, वो भी कहां, लंदन। क्या है वहां पे लंदन में, शाहरुख की तरह वो लंदन ब्रिज पर जाके बाहें फैलाकर फोटो वोटो क्लिक करा लेना, राइट। लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी ना, एंट्रेंस टेस्ट है आपका, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो पास कर जाओ दुनिया तुम्हारी। ओके गाइस, अब बताओ कोई है जो सोच रहा है ऑफ ट्रैक जाने का, लेफ्ट माई जॉब फॉर यूपीएससी, अरे तो यूपीएससी तो जॉब है, एंजॉय नाउ वर्क लेटर और वर्क हार्ड नाउ एंजॉय फॉर लाइफ टाइम, दैट्स द पॉइंट। ओके, एब्सोल्यूटली विजन लाइक अर्जुन। Absolutely right. Aim the bullseye. Okay? And the world is yours. At the end, the world is yours. But the only concept, aim at the bullseye. अब देखो यहां पर, चलो coming back to the point here. अब देखो यहां पर ना आपको एक image दिख रही होगी. Image में ये अपने bidden चचा हैं जो ऐसा mat वैट बिछा रहे हैं, है ना, welcome कर रहे हैं किसको, शी जिनपिंग को। कैसा है ना, एक मैट इन्होंने हटाया है, इस पे देखो ऑलरेडी किसी के पैरों वैरों के निशान थे जिसपे स्टार विस्टार बना था, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिसरिस्पेक्टफुल था चाइनीज फ्लैग के लिए। अगर कायदे से देखो, सो हियर यू कैन सी सम चाइनीज टाइप ऑफ फ्लैग जिसके ऊपर पैरों के निशान बने। मैं कह रहा हूं ये मेरे को भेज, है ना, मैं रखता अपने घर में, ठीक, चलो कोई नहीं। अब क्या ये दूसरा नया लेकर आए हैं, वेलकम वेलकम बैक, ऐसा बोल रहे होंगे इसको, वेलकम बैक अगेन, है ना, और ये देखो खुशी खुशी पहुंच भी गया है ना, मतलब ये तो चलो इनको हम कहते हैं इजरायली एजेंट हैं, चाइनीज एजेंट हैं, वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए, इनके बारे में तो खैर कहावतें बहुत सी उड़ी हुई हैं, चलो इनको तो जाने दो, लेकिन ये देखो ये पहुंच भी गए, है ना, ये वाले भाई साहब पहुंच भी गए। अब देखो न्यूज के हेडिंग देख लो, थोड़ा दिमाग चकराएगा लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। ये यूएस एंड चाइना अग्री टू कोऑपरेट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस विथ अर्जेंसी। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं, यूएस और चाइना का अग्रीमेंट क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर, मतलब ट्रेड वॉर नहीं लड़ना आप तुमको। 10 दिन पहले ये लोग कैसा, मैंने आपको याद करो, देखो कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है आईआर के अंदर, है ना, 10 दिन पहले आपको याद होगा, 10 दिन या 15 दिन पहले, मतलब पिछले 10-15 दिनों के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे थे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने अपने ट्रेड वॉर के चक्कर में दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रखा है ना। ये वो कंट्रीज हैं जिनका कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल और COP21 से। तो जो है ट्रंप चचा इसलिए निकले थे कि नहीं नहीं रहे, हमको तो इंडस्ट्री लगानी है, कोल बर्निंग है, कार्बन बर्निंग सब करना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो चाइना से ट्रेड वॉर जीतेंगे, और चाइना सेम यही बात बोल रहा था, राइट लेकिन उसमें याद होगा हमने डिस्कस किया था और मैंने आपसे बोला था कि रुक जाओ, इनकी जो है इस रफ्तार पर लगाम लगेगी, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज इस चीज को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और कुछ तो भी इंटरनली हुआ है, अब क्या हुआ ये मैं आपको नहीं डिस्क्लोज कर सकता पब्लिकली, सॉरी इट्स इंटरनल मामला, ठीक है, कुछ तो भी इंटरनली हुआ है, और जहां पर ये लोग है ना आपस में, क्योंकि मैंने आपको ये बात बहुत पहले ही बताई थी कि देखो ये अभी हाथ मिलाएगा, ट्रेड वॉर लड़ते लड़ते भी ये झटकेंगे किसी पे, यार बहुत हो गया, बर्बाद तो हम दोनों हो रहे हैं, मजे तो कोई तीसरे ले जा रहे हैं, है ना, दो बिल्लियों की जंग में, है ना, बाकी दुनिया जो है आराम फरमा ले जा रही है, ठीक, ट्रेड वॉर किसी का नुकसान हो रहा है तो किसी का नफा नुकसान तो कुछ भी तो झेलना पड़ ही रहा है, राइट। सो द कॉन्सेप्ट हियर इज ये दोनों आपस में हाथ मिला लिए किसके लिए, क्लाइमेट अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर बंद हो जाएगा, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, दैट मींस नाउ यूएस चाइना ट्रेड वॉर विल सी अ फुल स्टॉप। ओके, ये एक क्वेश्चन मार्क है, तो अभी देखते हैं आगे पूरी कहानी। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्बन एमिटर फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना और यूएस दुनिया के सबसे बड़े वो मुल्क हैं, सबसे बड़े मुल्क हैं जिन्होंने कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा कर रखा है। चलो उसके बीच इन्होंने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया, चलो ये भी ठीक है। उसी बीच चाइना जो है ईरान में कह रहा है न्यूक्लियर प्रोग्रेस चलेगी, ठीक है। उसी बीच चाइना लद्दाख में स्टैंड ऑफ कर रहा है,
उसी बीच चाइना साउथ चाइना सी में और बाकी कंट्रीज ये बाकी कॉन्टिनेंट्स के अंदर अपना एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी चला रहा है। उसी बीच यूएस जो है लिबिया सीरिया इराक ईरान बगदाद कुवैत ओमान जॉर्डन बोले तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो है नाटक करने की कोशिश कर रहा है आईएसआईएस और लश्कर अलकायदा के जरिए, राइट। अब ऐसे में ट्रेड वॉर भी चल रहा है यूएस चाइना का, है ना। तो अब कैसे बात करेंगे ये लोग COP21 और क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन की, बोलेंगे क्लाइमेट व्हाट इज दिस, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। मतलब किसी के सामने यूएस के सामने या चाइना के सामने किसी ने बोला ना क्लाइमेट प्रोटेक्शन, कहेगा क्या ये क्या होता है, कौन सी चीज है ये, मुझे नहीं पता, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल झूठ की बात जब हम करते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ शो आता है काफी फेमस है, ठीक है, आपकी अदालत। इस आपकी अदालत शो के ऊपर एक बार इमरान खान साहब आए थे तो रजत शर्मा ने इनसे पूछा कि आप जानते हैं ये हाफिज सईद मसूद अजहर इन सबको, तो कहते हैं नहीं कौन है ये मैं नहीं जानता। उसने साहब ऐसे पूछा कौन है ये मैं नहीं जानता, कौन हाफिज कौन डेविड हेडली, ऐसे पूछा इन्होंने रजत शर्मा ने कि ऐसा कैसा देखो मसूद अजहर जो है ऐसे बोलते हैं। तो फिर इमरान खान ने बोला मसूद अजहर कौन है मैं नहीं जानता, ही वॉज वेरी सीरियस आई डोंट नो हिम, है ना। तो उसी मतलब कैसा, इमरान खान तुम कहां रह रहे हो कराची में, मसूद अजहर कहां रह रहा है कराची में, या तो तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते सोशल मीडिया पे नहीं हो जबरदस्ती के पॉलिटिशियन बन गए हो, या तो तुम खुद बहुत मासूम और हमें मासूम समझते हो जो तुम कह रहे हो कि मसूद अजहर को हम नहीं जानते। चलो बहुत अच्छी बात है एक बात। तो उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट प्रोटेक्शन, है ना, ऐसा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो यूएस व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक इंसान वो भी यही बोलता है कि ये सब चाहे ये सारी चीजें क्या हो गए हैं भाई। और बीजिंग में बैठा हुआ शी जिनपिंग शी अपना नहीं कौन है, ठीक है, वो भी यही बोलता है भाई ये ओके हो गए हैं, हम मने ना पता भाई, इट्स नॉट इन माय डिक्शनरी डूड आई डोंट नो, राइट। सो ये यही बात करते हैं। अब क्या देख लो पूरी कहानी। सो चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्बन एमिटर फॉलोड बाय यूएस एंड द टू कंट्रीज पंप आउट नियरली हाफ ऑफ द फॉसिल फ्यूल पंप्स फॉसिल फ्यूल फ्यूम्स दैट आर वार्मिंग द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। मतलब अगर इन दोनों के ऊपर ताला लगा दीजिए, मैं तो कहता हूं यार एक आख न्यूक्लियर लेकर चलते हैं, ईरान जो है एनरिच कर ही रहा है। अब यूएस को डर किस बात का, इसी बात का ना कि दुनिया ये सारा डेटा देखती है, दुनिया सब यूएस और चाइना से खफा होती है। मैं तो अभी यूएस ईरान को जो है क्लास के बाद जो है व्हाट्सएप करने वाला, मैं कह भाई चल यार उड़ाकर इनको आते हैं, 50% ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जानी है, ठीक। तो कैसा 50% तो यही दोनों मिलकर चला रहे हैं। सो देयर कोऑपरेशन इज की टू सक्सेस ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू कर्व क्लाइमेट चेंज बट फ्रेड टाइज ओवर ह्यूमन राइट्स ट्रेड एंड चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स टू ताइवान एंड साउथ चाइना सी हैव बीन थ्रेटनिंग टू अंडरमाइन सच एफर्ट्स। तो ब्रिटेन चचा ने बोला कि यार देखो हम तो राजी हैं, वो आई थी ना आलिया भट्ट वाली मूवी राजी, तो इन्होंने देखकर बोला कि यार हम तो राजी हैं, है ना, हमको भेज दो पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बना के, हमने का मजाक लग रखा है, ठीक है। कहते हम तो राजी हैं लेकिन बस ये जो चाइना नाम की बीमारी है, अब यार देखो यही है ना नाटक फैलाया हुआ है, राइट। क्या कहता है कि देखो चाइना को बोला कि देखो तुम अपना जो टेरिटोरियल क्लेम ताइवान पर लगाए हुए वो छोड़ दो। अब मैंने यूएस को बोला भाई तुमने क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करनी है तो मत करो, ताइवान तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, ताइवान के लोगों को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कह रहे हो कि ताइवान पर अपना क्लेम छोड़ो। ये तो वही वाली बात होगी ना जबरदस्ती वाली, कि मतलब अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को बचपन में मेरे फादर बोलते थे कि एक काम करो फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें 95% लेकर आओ, ये एक्स वाई जेड चीज तुम्हें दिला देंगे जो भी चाहिए। तो मेरे फादर को भी बहुत बखूबी पता था कि 95% मतलब इसका रेसिप्रोकल में 59 ले आए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। 95% की बात मुझे बोलकर वो अपना जो है मतलब अपना मतलब वो पीछे हट जाते थे कि हाँ ठीक है तू ले आ दिला देंगे, ठीक है। उनको भी पता था लाने से रहा ये, और मुझे भी पता था 95 मतलब दो, मैंने कहा यार दो चार एग्जाम का मिलाकर आ जाएगा, एक आग एग्जाम के अकेले की बात मत करना, ठीक है। तो बस यहां पर भी वही बात है, क्या यूएस कह रहा है ताइवान पर क्लेम छोड़ दो, यूएस को भी पता है कि चाइना घंटा से क्लेम नहीं छोड़ेगा, है ना, और चाइना को भी पता है क्यों छोड़ दें, जबरदस्ती की बात कर रहे हो तुम, हमसे ना होगा क्लेम व्लेम छोड़ना। उसके बाद से साउथ चाइना सी और एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी, वही वाली बात है, ले आओ 95% छोड़ देंगे, यूएस को भी पता है चाइना नहीं छोड़ने वाला, ठीक। तो बस यही सारी चीजें हैं जो लोगों को आपस में हाथ मिलाने से रोक रही हैं। गॉट इट गाइस, कहने का मतलब
इम्पॉसिबल था, लेकिन फिलहाल अभी दोनों ने बोला है, ये वाली इमेज एक दूसरे को दिखाई है। वेलकम। खुद मासूम है, हमें समझ रहे हैं। चलते हैं सर न्यूक्लियर लेकर। हाँ कुछ ऐसा ही। ये इतने मासूम है और इनको कश्मीर चाहिए? नहीं नहीं, इनको कश्मीर नहीं चाहिए। ओके, इनको कश्मीर नहीं चाहिए, कश्मीर इनके बस का नहीं है, ठीक है। और किसको किसको कश्मीर चाहिए यार, मजाक थोड़ी है। कश्मीर हमारी टेरिटरी है, हमारा यूनियन टेरिटरी, हमारा स्टेट है। इनको किस बात का कश्मीर दे दें हम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलो नेक्स्ट देखो यहां पे क्या लिखा है। सो शी मतलब जिनपिंग, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो शी जिनपिंग, वही पाकिस्तानी ही तो है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर तो शी जिनपिंग है, ठीक है। सो शी यानी कि पाकिस्तान और ये अपने चाइना के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, बोले तो सुप्रीम लीडर, उन्होंने बोला लास्ट ईयर दैट चाइना वुड बी कर्बिंग, ओके, चाइना वुड बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। देखो तुम्हारे यहां चल रहा है ट्रेड वॉर, चिमनिया पे चिमनिया जले जा रही है, भस्म हुई जा रही है, कह रहे हो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2060 तक। हमने कहा भाई एक नेट न्यूट्रलिटी करके, कार्बन न्यूट्रलिटी करके मैंने एक सेशन लिया था, उसका लिंक मैंने इसको व्हाट्सएप किया। मैं कहा देख कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन सिंक करके कुछ होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके कुछ होता है, कार्बन कैप्चरिंग करके कुछ होता है, समझ, पढ़ ले इसको, करंट अफेयर्स में आएगा, ठीक है। मैंने बोला, कहते नहीं नहीं, मैंने बताया भूटान का एग्जांपल दिया, मैंने कहा देख कार्बन नेगेटिव उसको कहते हैं, तुम कह रहे हो 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, चलो पहला झूठ। कहां से हो जाएंगे अब ये तो नहीं पता, लेकिन कह रहा था, ठीक है। फिर दूसरा, एंड एम्स टू रीच अ पीक इन इट्स एमिशन बाय 2030, कह रहा है 2030 तक ऑलमोस्ट खत्म होते होते हम लोग ऊपर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 2060 तक खत्म कर देंगे पूरा। ये बहुत मासूम है, हमको समझते हैं पता नहीं। फिर इन मार्च चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी प्लेज्ड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन पर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट बाय 18%, कहता है टोटल इकोनॉमिक आउटपुट से हमारा कार्बन एमिशन 18% कम होगा। हमने कहा हमारा जीएसटी पढ़ रखा है ना तुमने 28% 18% वाला, वहीं से 18 का तुम्हें एक आंकड़ा दिखा, तुमने हवा में उठाकर 18 उठाकर यहां पे चिपका दिया, चलो ठीक है। फिर इन लाइन विथ इट्स गोल फॉर द प्रीवियस 5 years पीरियड, ओके। अब उसके बाद से देखो एनवायरमेंटलिस्ट का क्या कहना है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, ठीक है, सेज चाइना नीड्स टू डू मोर, ठीक है। हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, हमारे ज्योग्राफी एक्सपर्ट, हमारे जो यूनिवर्सल बॉस सुमित सर, उन्होंने बताया कि भाई 18% काटने से कोई कुछ होने वाला थोड़ी है, लेकिन अब वो चाइना है, उसका कहने का मतलब नहीं, हम कर लेंगे, डोंट वरी, हमने कहा करो। फिर ब्रिटेन साहब ने क्या बोला, दे हैव प्लेज्ड द यूएस विल स्विच टू एन एमिशंस फ्री पावर सेक्टर विद इन 14 ईयर्स एंड हैव एन एंटायरली एमिशन फ्री इकोनॉमी बाय 2050। ये कह रहे हैं 2060, ये कह रहे हैं 2050, 10 साल पहले। ये तो वही वाली बात हो गई, बोली लग रही है, 1 करोड़ है ना, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा बोल रहे हैं कि है ना, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, उसमें से बीच में से निकाल दे रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा लिए 1.5 करोड़, 2 करोड़, कैसा बोली चल रही है। ये कह रहे हैं 2060, कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारा 2060 है, 2050, 2050 तक तुम दोनों मिलकर दुनिया रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे, अभी तक तो यही नहीं पता है। क्या कह रहे हो, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2060-50 तक। कैसा लगा आप लोगों को इन लोग का मजाक, बताओ जरा मेरे को फटाक से। हाँ यार गाइस, लाइक कर दो सेशन को। सर वो क्या करेगा इस करंट अफेयर्स का, पढ़ने आता ही नहीं। अरे यार इतना पढ़ा रहे हैं, क्लास तो ले ही रहा है, अब इतना भी नहीं आएगा तो फिर क्या ही बताएं, जाने दो। दिमाग की कमी है चाइना को, दिमाग की कमी तब होती है जब दिमाग होता है ना, इट्स ब्लैंक अपर पोर्शन, सीजन में यहां पे गोली मारो ऐसा खुल के पता चलेगा, अंदर तो तुम जो है काजू बादाम रख सकते हो, खाली इलाका है, ठीक है। ओके गाइस क्लियर, कैसा 2060-2050 कुछ भी बोलते हैं ये लोग, है ना, कुछ भी खत्म कर देंगे। एंड गाइस क्लियर, हाँ भाई, तो 2050-60 तक तुम दुनिया रहने दोगे, टिप्सा बनाकर चाइना को प्रोवोक कर रहे हो,
तुम वियतनाम में पोर्ट बनाकर यूएस को प्रोवोक कर रहे हो, ताइवान में जेट्स भेजकर हमें और यूएस दोनों को प्रोवोक कर रहे हो, क्वाड में तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारा फिर से दिमाग खराब, रशिया को तुम प्रोवोक कर रहे हो, ड्यूबियस पॉलिसी कह रहा है क्वाड को, तुम एशियन नाटो कह दे रहे हो, मतलब कि तुम शांति, मतलब देखो इन लोगों क्या है कि बोल दो है ना, यहां तक दुनिया बचने वाली थोड़ी है, ये वाला डेटा दे दो 2060 तक का, इनके दिमाग में क्या है 2060 तक में ये लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये लोग रहने वाले थोड़ी हैं, इनको तो हम तब तक जो है साफ कर चुके होंगे, हमने भी बोला आ करके देख, हाँ देखो तुम उस वक्त फिलहाल बैठे हो अपनी गली में, अपनी गली में है ना, अब क्या होता है सबको पता है, चलो जाने दो, अब ऐसी जो है हम लोगों को ऐसी मजाकिया बातें बोल देते ना कभी कभी, मेरे को लगता है इंडियन कॉमेडियंस जो है, जैसे हमारे पास जो है जैसे जो कादर खान साहब थे ठीक है, या अपने राजपाल यादव साहब हैं या कपिल शर्मा हैं ठीक है, ऐसे कॉमेडियंस हैं ये लोग राइट, इनको सीखना चाहिए जाके इनसे कॉमेडी कैसे करता है ये लोग 2060 में कार्बन न्यूट्रल। चलो अगला वाला देखो क्या है, दैट इज इट्स टॉकिंग अबाउट दी FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है ना, तो इंडिया में पता चला कि कुछ 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देती है ना, कुछ 3 कंट्रीज हैं इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देती है इंडिया को ठीक है, उनमें से एक नाम है यूएस और एक नाम है लग्जमबर्ग ठीक है। अब यूएस का इंडिया में सबसे ज्यादा FPI है, पैसा ऐसा उड़ के पंख लगाकर डॉलर देखो इंडिया में आ रहा है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा कहां से है, यूएस से ठीक है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये चीज देखकर इमरान भाई को अच्छा ना लगा, वो ऐसे मतलब कह रहे हैं यार मतलब हम क्यों हैं दुनिया में, देखो यही शक्ल देखो इनकी यही हो रहा है क्या, FPI इन इंडिया सबसे ज्यादा कहां से है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है ना, और बल्कि 50% FPI जो है यूएस और लग्जमबर्ग जैसी कंट्रीज से है ना, करोड़ों करोड़ों डॉलर्स में है, लाइक लाखों करोड़ों डॉलर्स में। ये सुनकर इनका दिमाग ही आउट ऑफ, कहते ये कैसे हम दुनिया में क्यों हैं, हमने कहा बेवजह खामा खां और कोई नहीं, निकल लो ज्यादा बेहतर रहेगा, आगे बेइज्जतियों से बच जाओगे। देखो ऐसे घूर रहे इधर की यार बताओ, अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को बुलाया तो वो पहले इनसे अपने पूछा कि यार इंडिया में इतना FPI कैसे है, तो इनका जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है पूछा सर FPI बोले तो ये क्या होता है, क्या कोई नई दवाई का नाम है, ये खिलानी है अपने लोगों को, तो इसने यही बोला अरे नहीं तुम जाओ टेंशन मत लो। फिर मेरे को कॉल किया पूछा अबे भाई सच बता ये FPI मुझे भी नहीं पता होता क्या है, मैं कहा भाई पोगो देख जान दे ठीक है तेरे बस का नहीं है राइट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा यूएस से आ रहा है, तो ये परेशान इनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर परेशान कि FPI क्या होता है, इन्होंने FPI के नाम तो ले लिया, अपने इकोनॉमिक एडवाइजर को भी भेज दिया वापस चल निकल जान दे, फिर इनको खुद रिकॉल करने लगे FPI बोले तो, अच्छा फेडरल पॉलिसी ऑफ इंडियाना पोलिस ऐसा करके FPI ने कहा गुड है ना, इतना दिमाग है, इंडियाना पोलिस वाला न्यूज पढ़ रहे हो तुम यानी कि ठीक है, फेडरल पॉलिसी और या फेडरल पुलिस है, फेडरल पुलिस ऑफ इंडियाना पोलिस या फेडरल पुलिस ऑफ इंडिया या इटली ऐसे जितनी भी कंट्री से शुरू कर दिया होगा इसने ऐसा, चलो जान दो। अब देखो पूरी कहानी बड़ी मजेदार कहानी है, सो यूएस मॉरिशियस एंड लग्जमबर्ग accounted for more than 50% of the total foreign portfolio investment FPI in India. Okay, so out of rupees 44.62 lakh crore investment, US investors accounted for 15.38 lakh crore, Mauritius for 5.28 lakh crores and Luxembourg for 3.74 lakh crores according to the data given by National Securities Depository Limited NSDL. इतने लाख करोड़ में जीरोस कितने होते हैं ये वाले भाई साहब पता लगा रहे हैं अभी। अच्छा एक बात सच सच बताऊं, मैं भी पता लगा रहा हूं कि 44 लाख करोड़ जो है उसमें जीरोस कैसे लिखेंगे, अभी तो मैं भी पता लगा रहा हूं, तो इसकी तो मैं क्या ही बात बोलूं है ना। कितना 44.62 लाख करोड़ है हमारा, जिसमें से 15.38 लाख करोड़ दे आर अलोन फ्रॉम यूएस, लगभग 5.5 मॉरिशियस से और लगभग 4.25 है ना लग्जमबर्ग से आ रहा है। तो कैसा पैसा उड़ते उड़ते आ रहा है भाई यू है ना,
अब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो डेटा है ऊपर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे वाला देखो ये डेटा दिया किसने है। डेटा देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। ओके, डेटा देने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नाउ प्लीज नोट डाउन व्हाट इज NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दिस इज होमवर्क, ठीक है? क्लियर एवरीवन? हाँ सुजीत सर की क्लास लेना पड़ेगा इनको, सीसेट पढ़ेंगे। ओके, नहीं रे जान दो, इमरान खान को इतना हम लोग तकलीफ नहीं देंगे यार। मैथ्स इज समथिंग विच यू नो विच इज ओनली फॉर गुड पीपल, है ना, अच्छे लोग ही कर सकते हैं इसको। इमरान और शी जिन छोड़ो, क्या ही तुम लोग बोलने लगते हो यार। ओके, यस दीपांशु स्टार्टिंग से होगी, ओके डोंट वरी। ओके गाइस ऑल क्लियर? सो होमवर्क है आपके लिए क्या? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, और अब न्यूज में आया है FPI। ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द FPI गाइस, प्लीज राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ FPI। ओके FPI के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उन्हें लिख लेते हैं एक बार। सो व्हाट डू यू मीन बाय FPI? सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स पैसिवली हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके तो सबसे पहली चीज FPI के अंदर जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, तो उनको पहला पॉइंट है, ओके, दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज एज वेल एज अदर फाइनेंशियल असेट्स सच एज बॉन्ड्स, मे बी गोल्ड, ओके, या गोल्ड बॉन्ड्स या एनी XYZ फाइनेंशियल असेट, ठीक है। फिर उसके बाद से इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विथ डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इज रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन दी वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। सिंपली क्या बोल दो, ये लिक्विड मनी होता है, लिक्विड असेट है, और उसके अलावा डायरेक्ट ओनरशिप जो है फाइनेंशियल असेट्स की किसी भी इन्वेस्टर के पास नहीं होती है एज कंपेयर टू दी FDI। FDI में होती है लेकिन यहां नहीं होती, ठीक। फिर नेक्स्ट FPI इज पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट एंड इज शोर ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। गाइस प्लीज ध्यान से देखो, अच्छा सर आपको सब चीजें पढ़ा चुके हैं और इस पर अभी आपको और बहुत सी चीजें पढ़ाने वाले हैं। तो FPI इज पार्ट ऑफ विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड FPI इज शोन इन आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट। ओके क्लियर गाइस, यहां तक लिख लिया सबने? Yes, प्रगति, that's right. Okay. Starting से है पूरा आर्ट एंड कल्चर टुडे। ओके गाइस क्लियर है सारी चीजें यहां तक? तो कैपिटल अकाउंट में होगा, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको दिखाया जाता है। FPI में जितने भी फाइनेंशियल असेट्स हैं उनको ओनर को यानी कि इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट ओनरशिप नहीं दी जाती है। और इसमें किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो इसमें देख लो सिक्योरिटीज और दूसरे फाइनेंशियल असेट्स दैट इज बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह, इसमें सब आ जाएंगे। ओके एवरीवन क्लियर? क्विकली जल्दी बोलो। यस सर, नोटेड बॉस, चलो फटक फटक से, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट, The investor does not actively manage the investment through FPIs. He does not have control over the securities or the business. आप बस पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा, आपका डायरेक्ट कंट्रोल या ओनरशिप नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, द इन्वेस्टर्स गोल इज टू क्रिएट अ क्विक रिटर्न ऑन हिज मनी, है ना? कैसा, इसको आप कह सकते हो लाइक FDI। ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल FDI को अगर आप बोलोगे, ओके लेट्स से इफ आई राइट कि यार FDI जो है, ओके FDI इज लाइक उसमें बोलते हैं ना FD है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन एफपीआई जो है इट्स नॉट फिक्स डिपॉजिट, इट्स म्यूचुअल फंड एमएफ। ओके, आप इसको या सिंपली आप कहते हो स्टॉक्स शेयर्स, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको ये क्विकली इसका रिटर्न मिल जाएगा। ओके, सो एफडीआई को हम कह सकते हैं अगर वो एफडी है तो एफपीआई जो है दैट इज म्यूचुअल फंड्स और द शेयर्स और द स्टॉक्स where you are investing, okay, and you again get the return in a quicker time as well. हो सकता है अभी invest किया, अगले minute आपको उसका, एक minute के अंदर आपको उसका जो है return बहुत ही अच्छे पैमाने पर, बहुत ही अच्छे level पर मिल जाए, okay? The next, FPI is often referred to as hot money, okay? FPI is often referred to as hot money, गर्मा गर्म, अभी अभी छान के निकाले हैं समोसे के जैसे, right? तो FPI is considered as referred to as hot money because of its tendency to flee at the first sign of trouble in an economy. अगर economy गिर रही हो, ठीक है, ढह रही हो, तो जितने भी investors हैं जिन्होंने पैसा यहाँ पे FPI के थ्रू invest किया है, ये ऐसा इसको उठाएंगे और अपने country में वापस भाग जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग ऐसा बेवकूफ नहीं है जो FPI इतना invest कर रखे हैं यहाँ पर। Okay guys, got it? It is what? It's hot money. Okay, that means it can be taken off from the market at any time. Okay guys, all clear? Jaldi bolo. Hot money, this is the money which can be just taken out from the market any time. ठीक है, मतलब कि इनका withdrawal आप तुरंत कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं है एफडी की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह कि नहीं यार अभी रखा है ये मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही मिलेगा, या बीच में थोड़ा तो फिर आपको इसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, हॉट मनी दैट इज इट्स अ फ्लोइंग मनी। ओके, लावा मनी भी इसको आप कह सकते हो, दैट इज इट्स कंटिन्यूअसली फ्लोइंग एंड यू कैन टेक इट आउट एनी टाइम फ्रॉम द मार्केट इफ यू फील दैट मार्केट इज अबाउट टू क्रैश और मार्केट हैज क्रैश्ड। ओके गाइस, एवरीवन क्लियर? जल्दी बोलो, क्लियर बॉस? चलो फैंटेस्टिक। ओके, सो चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में, अभी कुछ करंट इवेंट्स हैं, आधे घंटे के टाइम पर मिल रहे हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए। ओके गाइस, तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और हां 7:30 बजे मिल रहे हैं टू द IR शो टू डिस्कस फ्यू ऑफ द पॉइंट्स ऑन द IR। एंड यस, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, आर्ट एंड कल्चर हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आज दोपहर 1 बजे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर एज वेल। सो इट विल बी द एवरीडे शेड्यूल, डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग्स एंड ऑल, यू विल बी अपडेटेड इट। ओके, सो आज मैं बता देता हूं, इट विल बी 1 PM एवरीडे एंड 7 PM फॉर द IR। ओके गाइस, सो चलो थोड़ा सा जाओ जल्दी से, आराम आराम करके आओ, खा पी के कुछ भी करके आ जाओ आराम से, ठीक है? आधे घंटे में मिलते हैं, कुछ करंट इवेंट्स डिस्कस करना है उस सेशन में। ओके गाइस, so that's it with this session. Bye bye. Jai Hind. Khuda Hafiz. Take care.